अगर फिरदौस पर हुए जमीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका कश्मीर की धरती से, क्या बोले, जम्मू कश्मीर में हम आ पहुंचे हैं श्रीनगर, जो कि खूबसूरती के साथ साथ आजकल सुर्खियों में है। यहां पर चल रहे ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव के लिए भी श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां पर इस पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 8 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर कड़ी टक्कर है परंपरागत दलों के बीच में, नए चेहरों के बीच में और नई पार्टियों के बीच में। लेकिन तमाम मुद्दों के बीच क्या कुछ कहती है यहाँ की आवाम, क्या है यहाँ के जन के मन में, यही जानेंगे मेरे साथ क्या बोले जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से। आप पहुंचे हैं विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे, जो श्रीनगर की शान कही जाती है, यहाँ की जान कही जाती है। ये यहाँ की खूबसूरती में तो चार चांद लगाती ही है। यहाँ पर जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनकी आमदनी का भी एक बहुत बड़ा जरिया है कई तरह से। तो डल झील में रहने वाले, डल झील में बहने वाले ये जो शिकारे हैं, इनमें जो लोग रहते हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है उनके मुद्दे और किस तरह से वो अपनी जिंदगी में एक रवानगी लाना चाहते हैं। आप बताइए कि विधानसभा चुनाव इस बार हो रहे हैं, कितने खुश हैं 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। सरकार हो तो सब कुछ हो। पहले भी चुनाव होते थे यहाँ पे, तो इस बार का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, पहले से कैसे अलग है, क्या कुछ बदलाव आपको लगता है? आज तो बहुत मजेदार चुनाव है। मजेदार है? कैसे मजेदार? कैसे मजेदार? बहुत पार्टी पीस है, पीडीपी, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत पहले से एक दो पार्टी उठता है। हाँ। उस वक्त इतना खुश खूब इतना शोर शराब नहीं है, और आजकल तो मजा इसलिए आता है, एक पार्टी भी आता है हमको वोट दे दो, दूसरा पार्टी आता है वोट दे दो, हम खुश है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आपके जैसे कितने शिकारा वाले लोग हैं और क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए? 3,000 से ऊपर अब वो शिकारा है, चाहता था जो सरकार आना चाहिए वो लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहिए। उस सरकार को हम देखे, बीजेपी ने अच्छा काम किया, अच्छा हम कर रहे हैं, और अगर कोई भी सरकार आएगा, ये देखो नेशनल पार्टी आएगा, कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगा, तो हम वेलकम उनको करते हैं। आप यही डल लेक में रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर होना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर, पहले आपके क्या विचार हैं? यहाँ पे अभी हमारे जो भी है वो सब होना चाहिए, अभी रोड जब पूरी हुकूमत आएगी उसके बाद ही सब कुछ बोल सकते हैं, अभी तो जो भी अभी हो रहा है तो काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी मांगे क्या हैं? मांगे चुनाव तो होने चाहिए, जो बन जाएगा चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। अच्छा चुनाव क्यों जरूरी है? चुनाव जरूरी जब यहाँ पे कोई बढ़ जाएगी तब हम उसके बात करेंगे आपसे। किन मामलों पे बात करोगे, क्या चाहत है, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? टूरिज्म के टूरिज्म बने चाहिए, टूरिज्म बढ़ना चाहिए हमारे गाँव में टूरिज्म के साथ। तो डल लेक के अंदर भी एक पूरी कॉलोनी है, यहाँ पर लोग रहते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर जो शिकारे वाले हैं वो यहाँ पर इस डल लेक की पूरी जीवन शैली को जीवंत तो बनाए रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी ये रफ्तार ऐसे ही चलती रहे इसलिए जरूरी है कि उनका कारोबार बढ़े, पर्यटक बढ़े, और जो दल उन्हें इस बात का विश्वास दिलाएगा या जिस पर उन्हें विश्वास होगा उसी को वोट देंगे। ये बताइए चुनावों को लेकर क्या राय है आपकी? फायदा लोगों को फायदा होना चाहिए। हाँ। वो तो नहीं है, वो तो कहाँ मिलता है, वो क्यों नहीं होता है, क्या पता है हुकूमती ऐसा है। हाँ। तो इनका कहना है कि हुकूमतें ऐसी आई हैं यहाँ पर अब तक कि इनके काम जो है नहीं हो पाए हैं, पर इस बार तो बहुत सारी पार्टी हैं चुनाव के मैदान में, वो तो चॉइस बढ़ गई आपकी, क्या देख के वोट देंगे, क्या होना चाहिए आपके लिए, मांग क्या है आपकी? मांग तो हमारा यही होगा, तो जो हमारा यहाँ गरीब लोग हैं, हाँ। उनको सहूलियत होना चाहिए। तो क्या
क्या बोले जम्मू कश्मीर की चुनावी गाड़ी, डीडी न्यूज की चुनावी गाड़ी आ चुकी है जवाहर नगर, यहाँ का पॉश एरिया ये माना जाता है। यहाँ पर भी हम कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। आप हमें बताइए कि इस बार का जो चुनावी रण है वो किस तरह से है, किस तरह से बदलाव आया है, क्या कुछ अलग चुनावी लड़ाई है? देखो काफी अच्छा चुनाव हो रहा है, क्योंकि 2014 में कोई इलेक्शन पे कोई निकलता नहीं था, अब तो लोग जुड़ रहे हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनका कहना है यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। देखो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ आज तक खाली यहाँ पे कत्ल घात कराए, स्ट्राइक होते थे यहाँ पे काफी, आपको यहाँ चार चार दिन बंद रहता था। वो तो उनको तो अपना बोलना ही, वो पहले 370 को पकड़ के बोल रहे थे यहाँ 370। यहाँ आप देखो ना, यहाँ पे यूथ, आप कैमरा को यहाँ पे देखो, यूथ कैसे खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कोई यूथ आते ऐसे नहीं खेलते थे, सुबह आप जाओ सुबह वॉकिंग करने के लिए निकलते थे। और जो ये सब हालत यहाँ पे थी, उनको तो बोलना ही, वो अपने वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब उनके पास कुछ रही नहीं, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं। मोहम्मद अशरफ आजाद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, आप ये बताइए कि इस बार जो ये चुनाव हो रहे हैं किस तरह से खास है? ये खास ये है, जो आज का चुनाव है गन को दफन किया है, तो लोग निकलेंगे वोट डालेंगे। आपने देखा साउथ में कितना वोट आए हैं, लोगों में बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। किस वजह से? जो देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी जी, कश्मीरी आवाम को एक तो उस पर विश्वास भरोसा है, जो वो बोलता वो करता है, जो वो नहीं बोलता फिर भी वो पक्का करता है। उसका एक ख्वाब है कश्मीर को फिर सुंदर बनाना है, सड़क बनाना है, कश्मीरी नौजवान जो बेरोजगार है उनको रोजगार देना है, कश्मीरी जो गरीब है बिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाना है, उनको बिल्कुल डेवलप करना है। और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, महबूबा मुफ्ती हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज यहाँ पर आ गई हैं, चुनावी मुकाबला कैसा देख रहे हैं? देखिए जो वो बोलते हैं लोग सुनते हैं। अब देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी में दम ना होता वो क्यों डरे, वो लोग डरे हुए हैं। देखिए आर्टिकल 370 असली जब ये दफन हुआ है, अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, नहीं ये फैसला सही है, उससे पहले पार्लियामेंट ने दोनों सेशन में मान लिया है ये खत्म हो गए तो कश्मीर में हालात ठीक होगा। लेकिन पीडीपी और एनसीए तो 370 को मुद्दा बना रही है। नहीं वो लोगों को बेवकूफ बना दे, लोग समझते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी जरूर। अच्छा मुझे ये बताइए कि अभी जिस तरह से पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उनका एजेंडा हमारी लाइन पर है, उस पर क्या रिएक्शन है? लोगों को पता है पाकिस्तान की पॉलिसी ने यहाँ नौजवानों को मरवाया है, कश्मीर को तबाह कर दिया है और फिर पाकिस्तान को भी तबाह किया है, क्योंकि पाकिस्तान के हुकूमत के खिलाफ वहाँ का आवाम है। आप बताइए इस बार जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव है क्या कुछ अलग लग रहा है उनमें? चुनावों को लेके हमारी अभी ये सोच है कि यहाँ पर हम चाहते हैं शांति आ जाए कश्मीर में, क्योंकि यहाँ 90 के दशक से बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई, लोगों का घर से बाहर निकलना बहुत तकलीफ दे था और बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता था यहाँ के आम आवाम को। पहले चुनाव ऐसे नहीं होते जी, यहाँ पर रिगिंग होती थी चुनावों में, यहाँ पर ऐसा होता था कि लोगों को डर का माहौल एक पेश किया जाता था लोगों के सामने, उस वजह से लोग जो थे घर से बाहर नहीं निकलते थे मतदान करने के लिए। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी अच्छा एनवायरनमेंट है अराउंड, तो लोग अब निकलेंगे इस बार बहुत ज्यादा लोग संख्या में और चुनाव में पूरा अपना भरपूर जो है साथ देंगे। तो श्रीनगर के कोने कोने में हम जा रहे हैं और जान रहे हैं यहाँ पर चुनावों के लिए है क्या माहौल। आप मुझे बताइए कि किस तरह से यहाँ पर चुनावी माहौल एकदम से बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो लोगों में उत्साह है, वो एक दशक के बाद चुनाव तो है ही, उसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं चुनाव के लिए? देखिए जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अगर हम देखें 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे आपने कहा कि एक दशक के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह के इलेक्शन 3 दशक के बाद हो रहा है। चाहे बिजली का इशू है, सड़कों का इशू है या और भी बेरोजगारी का इशू है, लोकल रिप्रेजेंटेशन के पास ही लोग आराम से जा सकते हैं। जो अलग अलग पार्टीज हैं या गठबंधन है उनके सामने चुनौतियाँ क्या क्या है? चुनौतियाँ तो बहुत सारी है, सबसे बड़ी चुनौती यह है पहले आयाम में जब यहाँ इलेक्शन
होते थे उनमें बहुत ही कम पार्टिसिपेशन होती थी और बहुत कम परसेंटेज में वोट पड़ते थे और कैंडिडेट भी इतने ज्यादा नहीं होते हैं। अब की बार पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में हैं, तो नेचुरली जो बड़ी पार्टियां चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दैट इज वाई टूडे वो ब्लेम कर रहे हैं कि ये जो आजाद उम्मीदवार हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दरिपर्दा उम्मीदवार हैं। और क्या बोले जम्मू कश्मीर में, हम जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, इस वक्त हम आ चुके हैं जीरो ब्रिज पर। काफी पुराना ये ब्रिज है लेकिन इसमें भी काफी बदलाव आया है, पूरा कायाकल्प हो गया है और अब जो टूरिस्ट आते हैं उनके आकर्षण का ये एक बड़ा केंद्र है। क्या कुछ बदलाव यहाँ की राजनीति में आया है यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आप हमें बताइए कि किस तरह का बदलाव यहाँ पर आप देख रहे हैं और राजनीति में भी। बदलाव तो हो रहा है, अच्छे से बदलाव हो रहा है। जहाँ से हम रात के 7 बजे बाहर नहीं निकल सकते थे, आज 12-12 बजे भी रात भर बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं सब। और डेवलपमेंट तो होती रहेगी, मगर मसला है कि हम पहले अपने दिलों में जांच कर देखेंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल, यही पूछना चाहेंगे कि क्या चल रहा है और अभी जो राजनीतिक पूरा सिनेरियो है वो किस तरह से लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं, लोग क्या चाहते हैं। देखिए, लोग तो अमन चाहते हैं, सबसे प्रायोरिटी पहली होगी अमन की तरफ। जितना लोगों में अमन होगा, सुकून होगा, उतने लोग तरक्की की तरफ जाएंगे। आप मुझे बताइए इस बार का जो चुनाव है किन मायनों में अलग आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारे लिए तो चुनाव नहीं है, ईद का त्योहार है, ये दिवाली का त्योहार है और हम बड़े उत्साह के साथ इसको मना रहे हैं और हम चाहते हैं कि अमन और खुशहाली की तरफ कश्मीरी कौम का यूथ जाए और डेवलपमेंट की तरफ जाए, एजुकेशन की तरफ जाए, ड्रग से छुटकारा मिले, बंदूक से छुटकारा मिले, स्टोन पेल्टिंग से छुटकारा मिले। ईद का त्योहार, दिवाली का त्योहार, किस वजह से इतना जोश, किस वजह से? देखिए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं और इस बार हमें हमारी मनपसंद हुकूमत मिलेगी, गवर्नमेंट मिलेगी, हो सकता है गवर्नमेंट का हिस्सा हम भी हो सकता है कि जो जिन्होंने 70 साल से कश्मीर के अंदर जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ था उनको इस बार शिकस्त का सामना करना पड़े। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान भट्ट है। अच्छा, ये बताइए कि आप जब जब यहाँ पर चुनाव हुए कितने चुनाव आपने देखे हैं? मैंने बचपन से बहुत चुनाव देखे आज तक। अच्छा। अभी कोई हमारे महल में जो है रोड है जो है ना, मैंने 15-20 साल से वहाँ कोई रोड देखने वाला कोई नहीं आया। तो रिवर फ्रंट पर जब भी हम आते हैं हमेशा कुछ ना कुछ युवा जो हैं इस तरह से बैठे मिल जाते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, अपना टाइम व्यतीत कर रहे होते हैं या कभी इंतजार भी कर रहे होते हैं। एक युवा हमारे साथ है, वजाहत हमारे साथ है। वजाहत, मुझे ये बताइए कि किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो इस बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये पहला इलेक्शन है जहाँ पे कोई अटैक नहीं हुआ, जहाँ पे कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई, जहाँ पे वोटर न सिर्फ वोटर्स बल्कि जो इलेक्शन जो कैंपेन चलाने वाले हैं वो सिक्योर फील कर रहे हैं। दे नो कि दैट राइट नाउ दे आर सेफ एंड दिस इज द रीजन कि दैट फर्स्ट टाइम यहाँ पे न सिर्फ वोटर्स, यहाँ के जो इलेक्टेड जो लोग जो अभी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ में जो लोग कभी वोट ही नहीं डाला करते थे वो अभी भी आगे आ रहे हैं। सीरो ब्रिज के पास श्रीनगर में बहुत सारे ईटिंग पॉइंट्स हैं और ऐसे ही ईटिंग पॉइंट्स पर हमेशा जो है युवा यहाँ पर मौजूद रहते हैं, घूमते हैं, कभी खाते पीते हैं, कभी बातचीत करते हैं या अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे ही युवा हमारे साथ इस वक्त हैं। आप मुझे बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं सरकार से क्या अपेक्षा है, क्या करना चाहिए, कैसा रिप्रेजेंटेटिव आप चुनने वाले हैं, वो आपके लिए क्या करें? देखिए मैम, हमें हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है और नौकरी होनी चाहिए हर एक को, प्लस यहाँ पे मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और अच्छे से काम होने चाहिए। अगर हमारा वोट उनको हम वोट दे रहे हैं तो उसकी कदर होनी चाहिए। आप बताइए किस तरह से जो महिलाएं हैं यहाँ पर उनकी क्या डिमांड है, वो क्या चाहती हैं इस बार चुनाव से, वो चुनाव को किस तरह से देख रही हैं? आई थिंक वुमेन की जब बात आती है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। डोमेस्टिक वायलेंस है या औरतों के राइट्स की जब बात करते हैं तो एक फ्री एंड सेफ एनवायरनमेंट हर किसी लड़की जो है वो डिजर्व करती है। तो औरतों का एक तो यही मुद्दा है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पर कश्मीर में, बहुत सारी लड़कियां, मुझे लगता है हर घर में लड़की जो है वो पढ़ी लिखी है। तो अगर वो युवा है तो उनका जो मेजर इशू है दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यू नो कॉन्फ्लिक्ट रिडन रहे हैं। तो अब अगर एक चेंज हमें देखने को मिल रहा है तो इस पर एनहैंसड, अगर हम रेस्ट ऑफ द कंट्री में एम्प्लॉयमेंट पे 10 गुना काम कर रहे हैं तो कश्मीर में आपको 40 गुना करना पड़ेगा।
और इस वक्त हम आ चुके हैं लाल चौक, और लाल चौक की अगर बात करें तो लाल चौक किसी पहचान का मोहताज नहीं है, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी की ये पहचान है, ऐतिहासिक है। इसका नाम मॉस्को के रेड स्क्वायर के नाम पर रखा गया था। 1980 में लाल चौक बनाया गया था और तब से ये तमाम ऐतिहासिक घटनाक्रमों का साक्षी बना है। इस लाल चौक ने अलगाववाद देखा है, आतंकवाद देखा है, राजनीति देखी है और अब ये राष्ट्रवाद भी देख रहा है। ये यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी है। इस वक्त हमारे साथ हैं लाल चौक पर मौजूद कुछ लोग जो यहाँ पर जिनके बिजनेसेस हैं, जो अक्सर यहाँ पर रहते हैं, तमाम दौर उन्होंने देखे हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर जो चुनाव है उसके बदले हुए मौसम की, कश्मीर जो है बदले हुए मौसम के लिए जाना जाता है, हर पल यहाँ मौसम बदलता है। इस वक्त आप किस तरह का मौसम यहाँ चुनावी मौसम देख रहे हैं? बिल्कुल चुनावी मौसम देख रहा है। 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हम खुश हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं। हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे जो हमारा काम करेगा, हम उसके पास जा सकते हैं। पहले लोग लाल चौक पर इस तरह से खुले रूप में प्रचार करते थे? नहीं करते थे पहले, आज जैसे हालत नहीं थी। तो लाल चौक का एक तरह से देखे तो स्वरूप भी बदल गया है, अब यहाँ पर रौनक रहती है। अब यहाँ पर तमाम दलों की जो पॉलिटिकल कैंपेन है, जो सियासी प्रचार है, वो लगातार जारी है और तमाम लोग इसको देख भी रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है आप मुझे बताइए। इलेक्शन को लेके बहुत उत्साह है यहाँ पर, बहुत कुछ है। क्या कुछ अलग है इस बार के चुनाव में? पहले यहाँ की जो यूथ है वो चेंज हो चुका है, आपने खुद देखा होगा फ्रॉम 1992 to 2019 यहाँ पे क्या हो रहा था। आज एक नया कश्मीर और हिमाचल आप देख रहे हो, डेवलपमेंट्स का कितनी हुई है, चाहे स्मार्ट सिटीज हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डेवलपमेंट हो, सब कुछ हो चुका है। तो यहाँ का यूथ आगे आ रहा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहा है, और जो यहाँ का यूथ है उनमें आज ये जज्बा है, उनमें ये जोश है कि वो आज यहाँ की कैंपेनिंग चला रहे हैं। जो हमारे पहले हमने देखा 2019 ज्यादातर सीनियर लीडर्स ही आगे रहते थे, इन फ्रंट रहते थे, बट इस बार ये चेंज है कि ज्यादातर हर पार्टी में आप देखोगे कि हर यूथ आगे बढ़ चढ़ के रैलीज कर रहा है और प्रचार कर रहा है। और अब हम आ चुके हैं यहाँ के फेमस कोलोनी मार्केट में, यहाँ के बिजनेस सेंटर्स में से एक है, कभी यहाँ पर काफी बिजनेस हुआ करता था। अब यहाँ पर क्या स्थिति है और क्या चाहते हैं यहाँ के लोग, यही हम इनसे जानेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बार जो चुनाव है वो किन मायनों में आपको अलग लगता है, किस तरह से आपको लगता है कि इस बार जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको क्या कुछ सोचकर आप चुनेंगे? तो बेसिकली इस बार जो हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये तो है कि जो हमारा बायकॉट का टैबू था वो खत्म हो गया, लोग खुल के वोट डाल रहे हैं, विच इज अ सेंसिबल मूव आई बिलीव। बायकॉट वाज नेवर अ सॉल्यूशन, तो एक तो अच्छी बात है लोग वोटिंग कर रहे हैं। और जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमेशा यहाँ मुद्दा रहता था बेसिक नीड्स जैसे कि बिजली, सड़क, पानी, अब वो चीजें कश्मीरियों को समझ है कि वो तो अपने अपने डिपार्टमेंट करते हैं। ऐसा हमारा जो असेंबली में जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके और भी काफी कुछ चीजें करने को होती हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं जो उसको केटर करने, जो उसको एड्रेस करने हैं। तो वो टाइम गया जब हमारा जो एक रिप्रेजेंटेटिव होता था वो हमको पानी और सड़क पे वोट मांगता था, आज का रिप्रेजेंटेटिव अगर सड़क और पानी पे वोट मांगेगा आई डोंट थिंक कश्मीरी स्पेशली यूथ उसको वोट देगा। देयर आर बिगर इश्यूज, हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बढ़ाना, या हमारे काफी डेवलपमेंट के अभी बहुत पीछे हैं हम, काफी डिपार्टमेंट्स हम बहुत पीछे हैं, उन पे फोकस करना रादर देन बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ आई बिलीव, वो बड़ा आज की डेट में बड़ा एक मुद्दा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर और उन इंडस्ट्रीज की क्या क्या डिमांड्स? देखिए यहाँ इंडस्ट्रीज अभी उतनी ज्यादा है नहीं, जबकि यहाँ पर होने, यहाँ मेन इंडस्ट्रीज यही टूरिज्म है, उसके साथ रिलेटेड हैंडीक्राफ्ट्स है, जो टूरिज्म 2-3 साल से अच्छा चला, हमें उम्मीद है इसके बाद भी चलेगा, मगर यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत है। यहाँ मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का, जब यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी तभी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ हैं, फर्स्ट टाइम वोटर इस बार इस चुनाव में बहुत ज्यादा हैं, तो इनसे हम बात करेंगे ये क्या चाहते हैं। आप बताओ, आप ये देख रहे हो इलेक्शन कैंपेन हो रही है, पार्टीज जो है वायदे कर रही है, बोल रही है कि हम ये काम करेंगे वो करेंगे, आपको कैसा लग रहा है? तो पहली बार यहाँ पे मैंने दिखा इलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बोलना चाहती हूँ कि हम सबको वोट करना चाहिए क्योंकि तभी हमें अपनी पार्टी जो हमें अच्छा लगेगा उसको वोट करना चाहिए, तभी वो जीतेगा और हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। तो क्या होना चाहिए आपके लिए? तो
मैं मतलब सब वोट करने चाहिए, कोई नहीं, मतलब औरत भी करनी चाहिए और मर्द भी वोट करने चाहिए सारे। यहाँ पे होता है कि औरतें जो है घर पे बैठ जाती है और मर्द जाता है वोट करने जाए, मतलब वुमेन्स को भी राइट टू वोट है तो उनको भी वोट करना चाहिए। राइट टू वोट है, सबको वोट करने का हक मिले तो हमें वोट करना चाहिए, सबको हक मिले तो हमें करना चाहिए। एंड बेसिकली जब हम वोट करेंगे तो उसी के मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी, तो हमें लगता है अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलिटीज, जैसी फैसिलिटीज हमें चाहिए उसके लिए हमें वोट करना चाहिए। श्रीनगर के कोने कोने में हम गए और घाटी में एक बड़ा शब्द जो यहाँ पर गूंज रहा है वो है बदलाव। जिस तरह की यहाँ से फिजाओं में बदलाव आया है, लाल चौक पर हम हैं, पहले यहाँ पर लोग आने से डरते थे, यहाँ पर खड़े होकर बोलने से डरते थे, आज यहाँ से सियासी संदेश दिए जा रहे हैं, राजनीतिक प्रचार हो रहा है, चुनावी फिजा है, लोगों में जोश है, एक त्योहार की तरह लोग इन चुनावों में शिरकत कर रहे हैं। सभी की अपनी राय है, सभी की अपनी पसंद है, तमाम राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, जीतेगा कौन ये समय की बात है, ये वक्त बताएगा, लेकिन सिस्टम में, व्यवस्था में, संविधान में लोगों का जो विश्वास यहाँ पर कायम हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक संदेश यहाँ से जाता है। तो क्या बोले जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर से फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरे कैमरामैन अरशद को इजाजत। नमस्कार।